दोस्तों धान की एक ऐसी किस्म जो साधारण धान की तुलना में 5 से 6 गुना अधिक बाजार मूल्य देता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। मैं ना तो बासमती की बात करूँ ना ही कोई और धान की बात करूँ, मैं आज की इस वीडियो में काला नमक धान की बात करने वाला हूँ। किसानों के बीच में काला नमक धान को लेकर बहुत ही ज़्यादा होड़ रहती है। किसकी खेती हम कैसे करते हैं, कौन से किस्म का चुनाव करना चाहिए, खेती करने का तरीका क्या होना चाहिए और बाजार मूल्य क्या होना चाहिए, मैं आपको मोटा मोटी एक बात बता दूं, जो इसका जो मार्केट मूल्य है वो 500 से 600 रुपए प्रति किलो है। आपको मेरी बातें भले ही मजाक लग रही हो, लेकिन मैं आपको सबूत के तौर पे देख सकते हैं, इस साइड मैं बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रेट दिखा रहा हूँ कि प्रति किलो आप देख सकते हैं, प्रति किलो फ्लिपकार्ट पे या फिर अमेजोन पे या फिर ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे इसके रेट क्या चल रहे हैं। तो दोस्तों आज की शानदार वीडियो में मैं इसकी खेती की पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि इसकी खेती कोई भी किसान भाई कैसे कर सकता है, कौन कौन से वैरायटी को चुनाव करना चाहिए, और जो किसानों के बीच में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो इसकी वैरायटी को लेकर आती है कि किस वैरायटी का हम लोग चुनाव करें और वैरायटी हम कहाँ से मंगाएं। सारे चीज़ों का सोल्यूशन आज के इस वीडियो में रहेगा। मैंने यूट्यूब पे और वेबसाइट पे बहुत सारे जगहों पे मैंने बहुत से रिसर्च किए और मैंने ये चीज़ देखा कि इसकी जो जानकारी है वो कोई भी किसानों भाई को सटीक नहीं बता पा रहे हैं, जानकारी अधूरी है। तो मैंने बहुत सारे जगहों से रिसर्च करके आज के इस वीडियो को मैंने बनाने के बारे में सोचा है। हमारे चैनल पे पहले भी एक वीडियो पड़ चुकी है जो कि काला नमक धान की ही ब्रीडर है डॉक्टर आरसी चौधरी, जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उनकी भी वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद चाहे तो आप उसके वीडियो को देख सकते हैं, आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह और कमेंट सेक्शन तीनों जगह मैं उसका लिंक क्या करूंगा साझा कर दूंगा आपसे, आप जाइए और देख सकते हैं उस वीडियो को। तो आइए किसान भाइयों, हम डायरेक्ट चलते हैं वीडियो की ओर और मैं हूं आपका किसान मित्र अनूप धवन और आप देख रहे हैं हेलो फार्मर यूट्यूब चैनल। दोस्तों सबसे पहले तो मैं बात करता हूं काला नमक धान की किस्म के बारे में। वैसे तो आपको मार्केट में बहुत सारे काला नमक धान की किस्म मिल जाएंगी, लेकिन मेरी रिसर्च से जो मैंने अच्छी किस्मों को जो चुनाव किए हैं वो सबसे पहले किस्म है बौना काला नमक 101, जो दूसरी किस्म है बौना काला नमक 102, और जो तीसरी और ये सबसे अच्छी किस्म है काला नमक किरण। ये जितने भी तीनों किस्म के बारे में आपको बताया, अगर इनमें से आपको कोई भी किस्म का चुनाव करना हो, अगर आपको खरीदना हो, तो मैं आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके परचेस कर सकते हैं। अब दोस्तों जो वीडियो का जो मेन टॉपिक है इस पर हम लोग चलते हैं कि इसकी खेती काला नमक धान की खेती आप किस तरह से कर सकते हैं। आपके मन में किसान भैया एक बात हमेशा रहनी चाहिए कि काला नमक धान की खेती उसी तरह से करना है जिस तरह से आप साधारण धान की खेती करते हैं। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि आप नहीं कर सकते। अब आपको मैं हल्का सा डिटेल में आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको इसकी नर्सरी तैयार करनी है। जितने भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा, जो भी आपको डाटा बताऊंगा, वो प्रति एकड़ के हिसाब से बताऊंगा। जो एक एकड़ में जो बीज दर आपका लगेगा नर्सरी तैयार करने के लिए, वो 5 से 5.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रहेगा। इसकी नर्सरी तैयार करनी है। नर्सरी आपको पता है कितने दिनों में तैयार हो जाती है, 25 से 27 दिनों में नर्सरी तैयार हो जाती है। नर्सरी तैयार होने के बाद आपको मेन फील्ड में आपको ट्रांसप्लांट कर देना है। अब जो ट्रांसप्लांट करने 25 दिनों बाद आपने ट्रांसप्लांट कर दिया, एक बात किसान भैया मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो ये काला नमक धान होता है इसकी जो उपज होती है वो साधारण धान की तुलना में कम होती है, और जो इसको जो पकने का जो समय होता है, यानी कि जो साधारण धान जो पकता है वो 115 से 120 दिन में पक जाता है, लेकिन काला नमक धान को पकने में करीब 150 से 160 दिन का समय लगता है। तो इस बात का भी ध्यान विशेष तौर से दें कि अगर आपका धान पका नहीं है तो उसकी कटाई ना करें। ऐसा नहीं है कि आपके पड़ोसी के खेत वाले का धान पक गया और आपका धान नहीं पका तो पता चला आप भी इसके साथ ही में कटाई स्टार्ट कर दिए, तो ऐसा आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है किसान भाइयों। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि काला नमक धान में जो सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है वो इसकी पैदावार को लेके होती है। इसका पैदावार होता है वो कम होता है, तो इसके पैदावार को बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है ऑर्गेनिक तरीका ही आप अपना सकते हैं, इसी से इसका पैदावार बढ़ सकता है। मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूँ। जब भी आपको अपने फसलों में खाद देना है तो गोबर की खाद दें, हरी खाद दें या फिर मुर्गी का खाद दें, और कभी भी जब भी आप नर्सरी तैयार करने जा रहे हैं तो बीज का जो उपचार है वो ट्राइकोडर्मा से करें, और जब भी आप मेन फील्ड में नर्सरी को ट्रांसप्लांट करने वाले हैं तो सुडोमोनास के घोल में नर्सरी की जड़ों को डुबाकर फिर ट्रांसप्लांट करें। यही तरीका है जिससे कि आप इसके पैदावार को बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों किसानों के बीच में सबसे ज़्यादा सवाल आता है कि हम इसकी खेती क्यों करें और हमें क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों मैंने आपको सबसे पहले बताया कि इसका जो मूल्य है, मार्केट मूल्य है, साधारण धान की तुलना में इसका जो रेट है वो 5 से 6 गुना अधिक होता है। आप मार्केट में इसको 400 से 500 रुपये किलो प्रति किलो के हिसाब से आप बेच सकते हैं। तो सबसे पहले तो कारण है कि इसके अच्छे मूल्य की वजह से, और जो दूसरा कारण है
साधारण धान की तुलना में इसमें जो पोषक तत्व तो होते हैं वो अधिक पाए जाते हैं, जैसे आयरन हुआ, फाइबर हुआ या फिर जिंक हुआ। और इसमें जो शुगर प्रतिशत है वो साधारण धान की तुलना में बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि इसको शुगर के पेशेंट भी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब कारण है इसको लगाने के, आप लगाएं इसको और प्रॉफिट अच्छे से, बहुत अच्छे से प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब दोस्तों मैं बात करूं इसकी जीआई टैग की, तो जीआई टैग में पूर्वांचल के करीब 11 जिले आते हैं। इन 11 जिलों के नाम पे आराम से आप काला नमक धान की, काला नमक चावल को आप आराम से बेच सकते हैं, जिसमें गोरखपुर के करीब 4 जिले हैं, बस्ती के 4 जिले हैं और देवीपाटन के 3 जिले हैं। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसकी उत्पादन की, अगर उसकी उपज की बात करूँ, तो इसका जो उपज है मैंने आपको पहले बताया कम है, 10 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके मन में काला नमक धान से रिलेटेड कोई भी जानकारी अधूरी लगे या फिर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई सुझाव है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय किसान।